बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। वो टॉपिक ये है कि अगर हमारे पास टो वाल हो, हमने एक टो वाल बनानी है, जैसा कि मैंने इधर आपको एक डायग्राम बना के दिखाई हुई है। सर्वेयर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। और अगर हमने टो वाल बनानी है, जैसा कि ये मैंने आपको इधर बताया हुआ है, टो वाल बनानी है और टो वाल की जो शटरिंग है वो हम एक स्टेप में नहीं, मतलब इतनी उसकी हाइट नहीं है कि एक स्टेप में वो लग जाए। अगर वो शटरिंग दो स्टेपों में लगनी है, ठीक है, तो हम उसको किस तरह, जो लेबर होगी उसको किस तरह हम निशान लगा के देंगे कि इतनी हाइट पर हमारा इतना डिस्टेंस होगा, इतनी हाइट पर हमारा इतना डिस्टेंस होगा, तो वो किस तरह हम बताएँगे अगर हम दो स्टेप में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये आज मैं बताऊंगा कि इस तरह हम ये डिस्टेंस निकाले हैं, मैंने जिस तरह मैंने आपको पहले निकाल के बताए हुए हैं, मैंने किस तरह निकाले हैं। अगर आप भी निकालना चाहें तो किस तरह निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा काम है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, शुरू करते हैं अपना काम। तो सबसे पहले इधर आप देख सकते हैं, इधर जो बॉटम है, बॉटम की जो वर्थ है वो भी इधर मैंने लिखी हुई है 1.2 मीटर, और जो टॉप है, टॉप का भी मैंने लिखा हुआ है कि टॉप हमने इतना रखना है 0.75, और इसकी जो वाल की हाइट है वो है 5 मीटर। अभी हमने बेसिक उसको जो पहला स्टेप है, जो शटरिंग उसने पहले स्टेप के लिए लगानी है, वो हम बॉटम तो उधर बराबर करके दे देंगे। अभी टॉप पे उसको किस तरह हम डिस्टेंस चेक करके बताएंगे कि टॉप पे आप इतना रखो ताकि हमारी स्लोप एक ही सीक्वेंस में मेंटेन होके ऊपर तक जा पहुँचे और ऊपर हमारा टॉप 0.75 सेंटी बच जाए, 0.75 मीटर बच जाए। तो इसके लिए बहुत ही आसान फार्मूला है, आप देख सकते हैं। जो हमारा बॉटम है, बॉटम हमारा कितना है 1.2। पहले आपको मैं फार्मूला इधर लिख के बताता हूँ, उस तरह हम ये काम कर सकते हैं। हमारा जो है बॉटम माइनस टॉप डिवाइड टोटल हाइट, बॉटम माइनस टॉप डिवाइड टोटल हाइट मल्टीप्लाई रिक्वायर्ड हाइट माइनस बॉटम। ये फॉर्मूला एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम उसको बता सकते हैं, हम अगर 2 मीटर ऊपर जा रहे हैं और 2 मीटर के बाद हमारी ऊपर हाइट कितनी बनेगी। अगर 2 के बाद हमारी हाइट 4 मीटर, दूसरा स्टेप अगर हम लगा रहे हैं, अगर 4 मीटर हमारी हाइट होगी, उधर जाके हमारी जो इसकी विड्थ बनेगी कितनी बनेगी, और एंड में जो हमारा 5 मीटर हाइट है उस पर कितनी जाके बन जाएगी हमारी। हमने ऐसा उसको कैलकुलेशन करके देनी है, ऐसा उसको निशान लगा के देने हैं कि जब हमारी वाल बन जाए तो हमारी स्लोप बिल्कुल मेंटेन हो, इसमें बिल्कुल जम खड्डे ना बने। तो ये फार्मूला मैं आपको इधर अप्लाई करके भी बताता हूँ। मैंने इधर पहले इसलिए सब कुछ क्लियर लिख दिया था ताकि वीडियो जो है लंबी ना बन जाए और आप बोर ना हो। तो इसको मैं अभी आपको अप्लाई करके बताता हूँ किस तरह ये काम होता है। अभी बॉटम इधर क्या है, बॉटम है 1.2 माइनस 0.75 टॉप डिवाइड हमारी टोटल हाइट 5 मीटर है, मल्टीप्लाई अभी कर लेते हैं कितने, 1.2 माइनस 0.75 इक्वल डिवाइड 5, ये हमारे पास आ गया पर मीटर। पर मीटर हमारे पास कितना आ गया, माइनस बॉटम 1.20। पर मीटर हमारी जो स्लोप आ गई है 0.09। अभी हम बोलते हैं कि 2 मीटर पे हमारी जाके कितनी जो है चौड़ाई बनेगी, उसके लिए क्या होगा, जो हमारे पास पर मीटर आ गई है
मल्टीप्लाई पहले हमने 2 मीटर का करना है, मल्टीप्लाई 2 करेंगे, मल्टीप्लाई 2 इक्वल -1.2, -1.2। ये आप देख सकते हैं क्या आंसर आया है, 1.02। अगर हम 2 मीटर की हाइट पे चले जाएंगे तो हमारी जो इधर फासला डिस्टेंस जो भी बनेगा वो हमारा 1.02 मीटर आ जाएगा। ये जिस तरह मैंने आपको इधर कैलकुलेट भी करके बताया है, देख सकते हैं आपको नज़र आ रहा होगा। तो अगर हमने 2 मीटर के लिए ऊपर, 2 मीटर ऊपर जाके हमारी अपनी ऊपर स्लोप के लिए जो शटरिंग मेंटेन करनी है वो किस तरह करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करके इधर हम डिस्टेंस बराबर करके उसको निशान लगा के देंगे। पहला स्टेप जो है, आप जो है इतनी ऊपर जो है इसकी विर्थ छोड़ें ताकि हमारी ऊपर मेंटेन होती जाए स्लोप। उसके लिए हमारे पास जो आंसर आ गया 1.020 मीटर, ये पहला स्टेप के लिए ये करेंगे, ठीक है। जब हमारी ये पहला स्टेप की शटरिंग लग गई, उसने बॉटम में शटरिंग दोबारा लगा ली है, बॉटम में उसी तरह मेंटेन कर ली है, अभी दूसरा स्टेप के लिए हमने उसको कितना देना है कि हमारा ऊपर जाके फासला मेंटेन हो और टॉप हमारा 75 ही है और स्लोप भी मेंटेन ही हो, स्लोप में कोई गड़बड़ ना हो। तो उसके लिए भी वही सिंपल है जिस तरह मैंने आपको करके बताया है, ये उसके लिए करेंगे। सेकंड जो है इधर था वही, यही सिस्टम होगा, 1.2 - 0.75 / 5 × अभी पहले तो ये 2 था, अभी अगला 2 मीटर भी है, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 × 4 - 1.20। किस तरह होगा अभी भी आपको करके बताता हूँ, 1.2 - 0.75 = 5 मीटर हाइट है, पर मीटर आ गया हमारे पास, तो मल्टीप्लाई 4 36 सेंटी बन गया। 36 सेंटी अभी एक 20 में से हम, क्योंकि ऊपर जाके हमारी कम हो रही है, इसमें से 36 जो है एक 20 में से 36 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये टॉप आ जाएगा -1.2। ये आप देख सकते हैं कि आंसर आया है 4 मीटर पे 0.84, इधर भी मैंने लिखा हुआ है कितने 0.84। इसी तरह ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.84 मीटर, ये हो गया दूसरा। तीसरा वही, अभी ये तीसरी दूसरा स्टेप की हमारी शटरिंग लग गई, अभी हमने टॉप बराबर करने हैं। टॉप के लिए आपको पता है हमारे पास पहले ही था 75 सेंटी, अभी 75 सेंटी को हम टैली कर सकते हैं। किस तरह टैली करेंगे तो आपको मैं कैलकुलेटर पे बताता हूँ, वही है सिंपल, हमारा बॉटम है 1.2 माइनस टॉप है 0.75 इक्वल डिवाइड टोटल हाइट, मतलब 5 मीटर, इसको कर लेंगे इक्वल मल्टीप्लाई, अभी पर मीटर आ गया, अभी हमारी हाइट कितनी है 5 में हमारा कितना आना चाहिए 0.75 अभी किस तरह आएगा मल्टीप्लाई जो हमें रिक्वायर्ड चाहिए, रिक्वायर्ड अभी हमें 5 मीटर है, मल्टीप्लाई 5 करेंगे इक्वल 45 सेंटी, जो भी आ जाएगा वो हम बॉटम में से माइनस कर देंगे, -1.2 हमारा टॉप का आ जाएगा, कितना आ गया है देख सकते हैं आप 0.75। इधर कितने हैं हमारे जो ड्राइंग में दिया हुआ है वो भी 0.75 है, मतलब हमारा ये टैली हो गया कि हमारा एंड में 0.75 ही आएगा और हमारी जो स्लोप होगी वो भी मेंटेन होगी, कोई भी इसमें जंप नहीं होगा। तो आज तक की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।